हाय देयर, ये मिड टर्म की सॉल्व एमसीक्यू सीरीज की वीडियो है। कंप्लीट सीरीज इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है और आज की वीडियो के अंदर आपको MTH 302 बिजनेस मैथमेटिक्स के मिड टर्म के सॉल्व एमसीक्यूज करवाए जाएंगे और कोशिश की गई है जितने भी ये सॉल्व एमसीक्यूज हैं इनके आंसर्स आपको करेक्टली प्रोवाइड किए जाएँ। और अगर आप इनको खुद से मैच कर लें आपके लिए और भी बेटर होगा, इससे आपकी प्रैक्टिस भी होगी और अगर इसके बाद भी कोई मिस्टेक होगी वो आपके सामने आएगी। इसमें सबसे पहला ये है कि इनमें से कौन सा फंक्शन जो है वो रिलेटेड नहीं है फाइनेंशियल एनालिसिस से। सो इसका जवाब है MDE टर्म। और उसके बाद ये है कि जो बेसिक सैलरी एक एम्प्लॉय की वो है 7,000 रुपीज़, तो क्या कंट्रीब्यूशन है कंपनी का ऑन अकाउंट ऑफ ग्रेच्युटी टू दी ग्रेच्युटी फंड ट्रस्ट। सो इसका आंसर है 636.36 रुपीज़। और उसके बाद ये है कि जो सीक्वेंस है पेमेंट का एट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम वो कहलाता है, इनमें से क्या ऑप्शन है वो। इसका आंसर है एन्युइटी। और उसके बाद ये है कि जो मार्कडाउन है, मार्कडाउन मीन्स अ रिडक्शन, रिडक्शन है मार्कडाउन का मतलब होता है रिडक्शन होना, किसमें से, ओरिजिनल सेल्स प्राइस में से। और उसके बाद ये कि इंटरेस्ट जो कि कैलकुलेट हुआ अपॉन द प्रिंसिपल अमाउंट एडेड टू द इंटरेस्ट ऑन इट इस कार्ड वो कहलाता है, वो क्या कहलाया जाता है, वो कहलाया जाता है कंपाउंड इंटरेस्ट। और उसके बाद ये कि जो कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन है वो अमाउंट है जो कि बराबर है इनमें से किसके, यहाँ जो ऑप्शन दिए गए वो है S-VC के। और उसके बाद है हमारे पास के जो रिडक्शन होती है ओरिजिनल सेलिंग प्राइस से वो क्या कहलाया जाता है, ये ऊपर भी इससे मिलता जुलता एक आया था MCQs। सो ये कहलाया जाता है मार्कडाउन। और उसके बाद ये कि जो एक परसेंटेज होती है वो जो एक तरीका है एक्सप्रेस करने का, नंबर ऑफ एक नंबर को एक्सप्रेस किया जाता है किस तरीके से, एक फ्रैक्शन के तौर पर 100 के। और उसके बाद ये कि कन्वर्ट करने के लिए एक नंबर को परसेंटेज के अंदर फ्रैक्शन से वी डू हम करते हैं क्या, इनमें से कौन सा ऑपरेशन करते हैं वो है मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं। उसके बाद ये कि इंटरेस्ट जो कि पेड हुआ ओरिजिनल ऑन ओनली दी ओरिजिनल प्रिंसिपल बोर्ड इस ऑफन रेफर्ड, उसको अक्सर रेफर किया जाता है सिंपल इंटरेस्ट के तौर पे। उसके बाद ये कि जो फॉर्मूला है फाइंड करने का BEP का यूनिट्स के अंदर इस गिवन बाय वो क्या है इनमें से, वो है FC डिवाइडेड बाय S-VC। और उसके बाद ये कि इनमें से कौन सी जो है वो ऑप्शन जो है वो है लीनियर इक्वेशन। सो ऑप्शन का पहला वाला ऑप्शन है जो कि है 2x-3y इज इक्वल टू -6। उसके बाद ये कि 45% ऑफ व्हाट इज 9, किस फिगर का, किस नंबर का 45% जो है वो 9 होगा, वो है 20 का। और उसके बाद ये है कि एक फ्रेंडली जो है क्रिकेट होता है इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान, और पाकिस्तान जो है स्कोर कर रहा है रेट के ऊपर 7% ज़्यादा इंडिया से 35 ओवर्स के अंदर। और अगर इंडिया जो है स्कोर करता है आफ्टर 35 ओवर्स जो कि था 230, सो क्या पाकिस्तान का स्कोर हुआ इस हिसाब से, ये बन रहा है 246। और उसके बाद ये कि व्हाट विल बी द बेस, तो बेस क्या होगी 25% रेट की और परसेंटेज है 65, वो है 260। उसके बाद ये कि जो फार्मूला है कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर एन नंबर ऑफ पीरियड वो है एस इज इक्वल टू पी मल्टीप्लाई बाय 1 + R डिवाइड बाय एन टू दी एन। सो ये इसका जवाब है। और उसके बाद आता है फिर हमारे पास के अमाउंट ऑफ डिस्काउंट जो है वो इज ऑब्टेन एज परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट मल्टीप्लाई बाय लिस्ट प्राइस। और उसके बाद ये कि जो व्हाट विल बी दी सिंपल इंटरेस्ट अर्न ऑन एन अमाउंट ऑफ, जो कि अमाउंट है कितना 16,800 का 9 मंथ्स के अंदर, और रेट जो है 1/64% पर एन एम वो है 786.50। और उसके बाद ये कि तमाम जितने भी फार्मूला होते हैं एक्सेल के अंदर वो स्टार्ट होते हैं किससे, इज इक्वल्स टू से। और उसके बाद ये कि जो गिवन आपको ये दिया जा रहा है कि लिस्ट प्राइस है 5,500 रुपीज़, डिस्काउंट है 850, देन दी नॉट कॉस्ट प्राइस वो क्या होगी 4,650 रुपीज़। उसके बाद ये कि स्टोर ए की मार्कडाउन जो है वो है $50 परफ्यूम टू $40 विद अ मार्कडाउन ऑफ $10, देन दी मार्कडाउन इज 20%। और उसके बाद ये कि जो गिवन एंड नेट प्राइस है शर्ट की वो है $20, डिस्काउंट है 10%, लिस्ट प्राइस क्या होगी $22। उसके बाद ये कि अगर कॉस्ट और सेलिंग प्राइस जो एक पेन की वो है $12 और $15, सॉरी ₹12 और ₹15 रिस्पेक्टिवली, सो प्रॉफिट परसेंटेज वो क्या है $25। उसके बाद ये कि अगर -30% नॉट करने वाली बात है कि -30% चेंज आता है प्राइस के अंदर एक आइटम की, सो नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है कि जो प्राइस है वो डिक्रीज हो रही है क्योंकि यहाँ पे माइनस साइन आ रहा है इस वजह से। उसके बाद ये कि ए बी और सी जो है वो प्ले करते हैं क्रिकेट, और एज रन जो है आर टू बीस रन एंड दी बीस रन आर टू सीज रन, जो रेशियो है वो है 3:2,
सो दे गेट ऑल टुगेदर 342 रन. सो हाउ मेनी रन डिड ही मेक, ई ने कितने बनाए, वो है 162. उसके बाद ये कि जो प्राइस है पी फॉर कंप्यूटर की वो थी 12,000 डॉलर लास्ट ईयर. सो क्या प्राइस होगी कंप्यूटर की दिस ईयर अगर प्राइस जो है वो डिक्रीज हो जाती है 10%. सो वो है 10,800 डॉलर. उसके बाद ये कि फोर फ्रेंड जो है वो लेते हैं एक आईक्यू टेस्ट और उनके स्कोर थे 9600, 106 एंड 114. सो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, वो है कि मीन जो है वो है 104 का. उसके बाद ये कि परसेंटेज जो है वो एक रेशियो होता है गिवन नंबर का स्टैंडर्ड नंबर के साथ 100. उसके बाद ये कि जो वर्चुअल यूनिवर्सिटी है, वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान है, वो एक ग्रोइंग डिस्टेंस लर्निंग यूनिवर्सिटी है पाकिस्तान की, और जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है यूनिवर्सिटी के अंदर उसके अंदर इजाफा हो रहा है हर साल. सो जो नंबर ऑफ रजिस्टर्ड स्टूडेंट है कोर्स रिलेटेड टू बिजनेस मैथ लास्ट ईयर वो था 7,1130 और वो इंक्रीज हो के 9,242 हो गए इस ईयर. सो व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज, सो परसेंटेज के अंदर कितना इजाफा देखने में आया, वो देखने में आया 30% तक. उसके बाद ये कि द प्राइस, वो प्राइस जिसके अंदर इन्वेस्टर जो है वो बाय करता है या सेल करता है शेयर ऑफ स्टॉक को एट अ गिवन टाइम रेफर किया जाता है क्या मार्केट वैल्यू. उसके बाद ये कि ग्रोथ सैलरी नेट सैलरी भी कहलाई जाती है. तो क्या ये स्टेटमेंट ये जो आपको बताया जा रहा है ये ट्रू है या फॉल्स है, या एब्सोल्युटली ये फॉल्स है. उसके बाद ये है कि नेट प्राइस जो है वो बराबर है किसके, लिस्ट प्राइस माइनस ट्रेड डिस्काउंट के. और उसके बाद ये है कि जो डिवीजन सिंबल है वो टाइप है इनमें से किसकी जो आपको सिंबल दिखाया जा रहा है यहाँ पर, और ये जो टाइप है ये है अरिथमेटिक ऑपरेटर की. उसके बाद ये गिवन लिस्ट प्राइस, लिस्ट प्राइस जो है वो है 5,500, डिस्काउंट जो 850 रुपीज़ है. देन नेट कॉस्ट प्राइस जो है वो क्या होगी, वो होगी 4,650 रुपीज़ की. उसके बाद ये कि अगर रेशियो जो एक क्लास के अंदर गर्ल्स बॉयज़ का वो बनता है, बॉयज़ गर्ल्स का 7:5, और इनमें से कौन सा जो है कांट बी द टोटल नंबर, इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो टोटल नंबर नहीं हो सकता स्टूडेंट्स का क्लास के अंदर, वो है 50. और उसके बाद ये है कि जो एस एल एन रिटर्न डी रिटर्न करता है स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन को ऑफ एन एसेट फॉर डैश पीरियड, कितने पीरियड के लिए, 1 पीरियड के लिए. उसके बाद ये कि इनमें से कौन सी लीनियर इक्वेशन, वो है 2x-3y इज इक्वल टू -6. उसके बाद ये कि अगर जो है एफ सी जो है वो है 5,000, सी एम जो है वो है 30 रुपीज़, वी सी जो है वो है 150, कैपेसिटी जो है वो 320 यूनिट्स, और बी ई पी जो है इन यूनिट्स वो क्या है, वो है 167 यूनिट्स. उसके बाद ये कि स्टोर ए की मार्कडाउन जो है वो है $50 परफ्यूम टू $40 विद अ मार्कडाउन ऑफ, मार्कडाउन हुआ कितना $10 का. सो इसकी परसेंटेज मार्कडाउन क्या है, 20%. उसके बाद ये कि जो नेट प्राइस है शर्ट की वो है $20, डिस्काउंट है 10%, लिस्ट प्राइस क्या होगी $22. उसके बाद ये कि अगर कॉस्ट और सेलिंग प्राइस जो एक पेन की वो है 12 रुपीज़ और 15 रुपीज़ रिस्पेक्टिवली, तो परसेंटेज प्रॉफिट क्या होगी, वो होगी 25%. तो ये थी आज की वीडियो. आपको अगर इस बारे में कोई क्वेश्चन है या कोई कन्फ्यूजन है, इसमें कोई मिस्टेक दिखाई दे, उसके लिए आप नीचे कमेंट कीजिए, और ये फाइल आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से हासिल कर सकते हैं. लेकिन अगर आपको लिंक ना दिखाई दे, उसके लिए आप नीचे कमेंट कीजिए, और इस पूरी सीरीज को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स.